चलो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। टॉपिक हमारा चल रहा है, हमारे टॉपिक का नाम है एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट। इसके अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस कर लिया था, और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं सर। एक्सप्लेन द एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ऐसे एग्रीमेंट्स आप बताओ जिसको हम डिक्लेयर करते हैं वॉइड। ऐसे कौन से एग्रीमेंट होते हैं जो कि क्या होते हैं सर, वॉइड होते हैं अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने क्या डिक्लेयर कर रखा है सर, दीज एग्रीमेंट्स आर वॉइड। ये वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं कि भाई आप इनको इन्फोर्स नहीं कर सकते, आप इसको क्या नहीं कर सकते, इन्फोर्स नहीं कर सकते। सबसे पहला इसके अंदर एग्रीमेंट क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। ठीक है, जैसे मान ले एक बंदा है, ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को 50,000 रुपए दूंगा, तो उससे शादी मत करियो। तो ऐसा एग्रीमेंट क्या हो जाएगा सर, ये एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट है। तो ए एग्रीज दैट इफ बी पेज हिम 50,000, ए ने एग्री करा कि भाई बी अगर तू मेरे को 50,000 देगा ना, तो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं आपके, वॉइड होते हैं। कैसे होते हैं, वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये चीज पढ़ा था हमने, क्या होता था रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, क्या होता था, किसी को बिजनेस खोलने से रोकना। मैंने कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जिससे मैं किसी को बिजनेस करने से रोक रहा हूँ, तो वो क्या है, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं सर, वॉइड होते हैं। इसके हमने कुछ एक्सेप्शन पढ़े थे, तो एक्सेप्शन हमने जो पढ़े थे, तो उसके अंदर वो एग्रीमेंट क्या नहीं होते, वॉइड नहीं होते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, ऐसे एग्रीमेंट जो कि कोर्ट के काम के अंदर, जो कि मैटर जो चल रहा है उसके, उसको क्या करता है सर, रिस्ट्रिक्ट करता है, रोकता है। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स को क्या करता है सर, रोकता है। ठीक है, ये सामने वाले को क्या नहीं, जो कोर्ट में जाना नहीं देता, ये इसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अभी इसको डिटेल में पढ़ते हैं, अभी सारे पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन, आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट करा जिसमें आप सामने वाले का मीनिंग नहीं समझ पा रहे, भाई क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है। आपने बोला मैं तेरे को तेल बेचूंगा 500 रुपए का, अब कौन सा तेल बेचेगा भाई, कौन सा ऑयल बेचने वाला है सर, कोकोनट ऑयल बेचेगा, मस्टर्ड ऑयल बेचेगा, कौन सा ऑयल बेचने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, अनसर्टेनिटी है ना, तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होता है सर, वॉइड होते हैं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, तो ये हमने पढ़ा था सर, वेजर क्या होता है कि जहां पर सर जो एग्रीमेंट है वो ये होता है किसी चीज के विनिंग पे या लूजिंग पे, जब आप पैसे कमाते हो, और वो इवेंट कैसा होता है, अनसर्टेन इवेंट होता है। तो ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं सर, वॉइड होते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाई था। एग्रीमेंट कंटिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, कुछ ऐसा आपने एग्रीमेंट करा जो कि इवेंट क्या है, इम्पॉसिबल है। आपने बोला कि भाई अगर ऐसा हो जाए, अगर मान लो कि मून अर्थ के बहुत पास आ जाएगा, तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। ठीक है, या अगर मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ गया, तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। वो मैं हो नहीं सकता, मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ नहीं सकता, तो मैं पैसे कैसे दूंगा। तो आपने किसी कंटिजेंट, क्या है आपका जो एग्रीमेंट है वो कंटिजेंट, मतलब डिपेंडेंट है किसी ऐसे इवेंट पे जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, सर कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर दिया जो कि क्या है सर, इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, तो वो भी क्या हो जाएंगे सर, ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे आपके, वॉइड। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ते हैं भाई, सारी चीजें पढ़ेंगे। इट इज टू बी नोटेड दैट एग्रीमेंट लिस्टेड अबव आर नॉट अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। बेटा ये अनलॉफुल एग्रीमेंट्स नहीं है, ये अनलॉफुल एग्रीमेंट्स नहीं है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है, एज दे आर नॉट फॉरबिडन बाय लॉ। सरकार इनके लिए क्या नहीं करती, मना नहीं करती। देयर ओनली वीकनेस इज दैट लॉ हैज चूजन टू डिनाई इनफोर्सिबिलिटी टू देम। लॉ यहाँ पे इसमें वीकनेस क्या है कि यहाँ पे आप किसी को इन्फोर्स नहीं कर सकते, मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट आप किसी को जेल नहीं लेकर जा सकते। अब जैसे ए ने एग्री कर दिया था, अगर बी तू मेरे को पैसे देगा तो मैं उस लड़की से शादी नहीं करूंगा, तो बी ने पैसे दे दिए लेकिन ए ने शादी कर ली। अब बी केस कर रहा है ए के ऊपर कि मैंने इसको पैसे दिए, और लेकिन फिर भी इसने क्या कर ली, इस लड़की से शादी कर ली, तो मैं तेरे को अब केस कोर्ट में लेकर जाऊंगा। तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, कोर्ट में ये केस चलेगा ही नहीं, क्योंकि ये इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है सर, आपने कर दिया, इलीगल नहीं था लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं है सर। ऑन द अदर हैंड द एग्रीमेंट लिस्टेड अंडर सेक्शन 23 आर सच दैट लॉ डू नॉट वांट पीपल टू मेक देम बिकॉज दे वायलेट लॉ और हर्ट सोसाइटी टू एनी वन। और सेक्शन 3 के अंदर कौन से एग्रीमेंट्स थे सर, इलीगल एग्रीमेंट्स। सरकार कहती है भाई ऐसे एग्रीमेंट्स होने नहीं चाहिए। तो सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या बोल रहा है, एग्रीमेंट विच डिप्राइव्स अ पर्सन ऑफ फ्रीडम रिलेटेड टू मैरिज। कोई ऐसा एग्रीमेंट जिससे एक बंदे की फ्रीडम खत्म होती है किसी से मैरिज करने की, वुड बी अ वॉइड एग्रीमेंट। ये कैसा एग्रीमेंट होएगा, वॉइड एग्रीमेंट है। दो लड़का लड़की हैं, अगर वो मेजर एज के हैं, किस एज के हैं, मेजर एज के, माइनॉरिटी मतलब वो नहीं है, वो मेजर माइनर नहीं है, वो क्या है, मेजर है।
तो वो दोनों अपने मनपसंद से शादी कर सकते हैं, कोई उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। इवन इफ वो दूसरे कास्ट से बिलोंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनका राइट है अपने दोनों पार्टनर्स को चूज करने का, ठीक है। एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि शादी में क्या करता है, रिस्ट्रेंट करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन पुट करता है ऑफ एनी पर्सन अदर देन अ माइनर। सर माइनर के साथ हम कर सकते हैं, सर माइनर को हम रोक सकते हैं शादी करने से, बाकी सारे एग्रीमेंट्स क्या हो जाएंगे सर, वॉइड हो जाएंगे। तो माइनर को रोकना कि भाई अभी तुम जा, अभी पहले तू बड़ा हो जा, उसके बाद तेरी शादी करेंगे, तो उसको रोकना। अब वो नहीं है, 15 साल का बच्चा केस कर देगा, ठीक है। रिस्ट्रेंट मीन्स रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर एन एक्सेप्शन विद रिगार्ड टू माइनर्स। तो रिस्ट्रिक्शन किसके लिए लगा रखे है सर, माइनर्स के लिए लगा रखे है। रिस्ट्रिक्शंस मे बी इम्पोज अपॉन माइनर्स फ्रीडम टू मैरी बट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी एज, जब आप 18 इयर्स प्लस हो जाते हो, दीज रिस्ट्रिक्शन विल नॉट बी बाइंडिंग। तो ये रिस्ट्रिक्शन आपसे हट जाती है, फिर आप क्या कर सकते हो, शादी कर सकते हो। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, दोबारा से नहीं पढ़ रहे। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स प्रोवाइड्स दैट एवरी एग्रीमेंट, हर एक एग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे एक पार्टी को आप क्या करते हो, रिस्ट्रिक्ट करते हो, 100% रिस्ट्रिक्शन है एब्सोल्युटली फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट्स अंडर ऑन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट। तो मतलब ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिससे पार्टी की राइट्स के ऊपर क्या लगता है, रिस्ट्रिक्शन लगता है, किसका, इन्फोर्सिंग हिज राइट्स, वो अपने राइट्स को फॉलो नहीं कर सकता बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब वो कोर्ट में जाके केस नहीं कर सकता। आपने ऐसा एग्रीमेंट कर दिया कि भाई कल को तू मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो तू कोर्ट में जाके क्या नहीं कर सकता, मेरे अगेंस्ट केस नहीं कर सकता, तो मैं तेरे साथ एग्रीमेंट करूंगा वरना नहीं करूंगा, या फिर ना तो कोर्ट में जा सकता ना किसी ट्राइब्यूनल्स में जा सकता। और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे थस एनफोर्स हिज राइट्स, या फिर उसने बोल दिया कि भाई जब तक हम एग्रीमेंट करेंगे, 5 साल का ये एग्रीमेंट है, 5 साल तक आपके पास राइट नहीं है कि आप मेरे अगेंस्ट क्या कर सकते हो, किस कर सकते हो, तो भैया ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, आपका वॉइड है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या है आपके, वॉइड है। आप मतलब किसी सामने वाले बंदे के जो राइट है, राइट किस चीज का, लीगल प्रोसीडिंग्स का, अगर आपने उसके साथ गलत करा तो वो कल को कहां पर जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे आपके बॉडी। आगे व्हिच डिस्टिंग्विशेस द राइट ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्जेस एनी पार्टी देयर टू फ्रॉम एनी लाइबिलिटी अंडर ऑन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड। तो एक पीरियड के बाद आप कर सकते हो, मैंने आपको एक पीरियड दे दिया कि 3 साल तक तो आप नहीं कर सकते कोई लीगल प्रोसीडिंग, 3 साल के बाद आप कर सकते हो, सो एज टू रिस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट, ये क्या होता है, वॉइड होता है, ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। लेकिन सर इसका एक एक्सेप्शन है, हाउएवर एन एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन इज वैलिड। सर आप कोर्ट के अंदर केस ले जाने से आप रोक सकते हो, ठीक है, नहीं रोक सकते, लेकिन आर्बिट्रेशन पे केस जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, रोक सकते हो। अब सर लीगल प्रोसीडिंग्स बोले तो लिटिगेशन, इसको क्या बोलते हैं, वर्ड क्या होता है, लिटिगेशन। कोर्ट में अगर आप केस चल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लिटिगेशन। और एक होता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन क्या होता है सर, यहाँ पे जो है ना दो पार्टीज है जिनकी लड़ाई हुई है, उनके बीच में हम एक थर्ड पार्टी को बिठा देते हैं। जैसे मान ले गांव होते हैं ना, गांव में, तो गांव में कौन बैठ जाता है, सरपंच बैठ जाता है, वो उसकी बात सुनता है, वो उसकी बात सुनता है, वो ना उसका पक्ष लेगा ना उसका पक्ष लेगा, जो भी एक अच्छा जो कंक्लूजन जो होगा वो सरपंच क्या कर देता है, सुना के दे देता है। ऐसी आर्बिट्रेशन में भी होता है, एक लीगल बंदा बैठता है, उसकी बात सुनता है, उसकी बात सुनता है, यहाँ पे किसी को जेल वेल नहीं होती, ठीक है, किसी ने उसके साथ कुछ गलत वलत कर रखा है, थोड़ा बहुत कुछ ऐसा, कुछ बड़ा काम नहीं है, छोटा मोटा कोई काम है, तो वो बोल देता है भाई तू इसके साथ ऐसे कर दियो और अब तुम्हारा केस क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं आर्बिट्रेशन। जैसे घर में बहन भाइयों की लड़ाई हो गई तो कौन बैठ जाते हैं, बीच में मम्मी बैठ गए, पापा बैठ गए, ठीक है, उनकी लड़ाई को क्या करवा दिया, सॉल्व करवा दिया, इसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेशन। तो हाउएवर एन एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन, एग्रीमेंट टू रेफर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन इज वैलिड। तो एग्रीमेंट कर सकते हो, डिस्प्यूट्स को आर्बिट्रेशन में लेकर जा सकते हो, वो क्या रहेगा, यहाँ पर वैलिड रहता है। एग्रीमेंट हुज मीनिंग इज अनसर्टेन, ऐसा कोई एग्रीमेंट जिसके अंदर भैया समझ ही नहीं आ रहा क्या कर रहे हो भैया आप एग्रीमेंट के अंदर, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज नॉट सर्टेन और कैपेबल ऑफ बीइंग मेड आर वॉइड। फॉर एग्जाम्पल एस एग्रीज टू सेल 100 टन ऑफ ऑयल टू वाई, एक्स ने क्या बोला, भाई मैं तेरे को 100 टन का ऑयल भेज दूंगा। फ्रॉम द एग्रीमेंट इट इज वेरी अनसर्टेन एज टू व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वॉज इंटेंडेड, है ना, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था। देयर फोर द एग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, भाई कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता बिकॉज क्या है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी। हाउएवर इफ द सर्कमस्टांसेस इनेबल द कोर्ट टू डिराइव
मीनिंग आउट ऑफ द ऑयल देन द एग्रीमेंट शेल बी इनफोर्स। लेकिन भाई अगर तू यहाँ पे ऑयल का मतलब बता देगा, कौन से ऑयल की बात कर रहा है सर, कोकोनट ऑयल की बात कर रहा है, कुछ बोल रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा सर, वैलिड हो जाएगा। एन एग्रीमेंट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन फ्यूचर इज वॉइड। सर आज आप एग्रीमेंट कर रहे हो कि फ्यूचर में मैं तेरे साथ क्या करूंगा कॉन्ट्रैक्ट, तो ये भी क्या होता है सर, वॉइड होता है। ठीक है, फ्यूचर में आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते किसी के साथ, आज एग्रीमेंट कर लो कि फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ऐसा हो नहीं सकता। दिस इज बिकॉज एग्रीमेंट क्या है यहाँ पर, अनसर्टेन है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। तो कोई भी अनसर्टेन आपका एग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा सर, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर, ये तो आपको पता ही है, तो ये वही बोल रहे हैं, वहां पे जाके क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ लेना, वो हमने पढ़ रखा है। एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट ऑन एन इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसा किसी इवेंट जो कि इम्पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल देखे, एक्स हैज प्रोमिस टू ज्वाइन वाई ऑन अ टूर। एक्स ने बोला कि भाई मैं तेरे साथ घूमने के लिए चलूंगा इफ जेड हु इज इन लंडन रिटर्न टू इंडिया विद इन 6 आवर्स। अरे भाई वो लंडन में बैठा हुआ, इंडिया में 6 घंटे में कैसे आ जाएगा, तो ऐसा इवेंट कैसा हो गया, इम्पॉसिबल हो गया ना ये एग्रीमेंट, क्या हो गया इम्पॉसिबल, द इवेंट इज इम्पॉसिबल, सो द एग्रीमेंट इज क्या है यहाँ पर, वॉइड है। एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, कोई ऐसा काम जो कि क्या है सर, इम्पॉसिबल है सर। सेक्शन 56 हैज स्टेटेड वेरी क्लियरली दैट एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इन इटसेल्फ इज वॉइड। आपने कोई एग्रीमेंट ऐसा कर लिया जो कि क्या है सर, इम्पॉसिबल है, वो क्या हो जाएगा सर, आपका वॉइड हो जाएगा। एग्रीमेंट कॉन्टिजेंट टू एन इम्पॉसिबल इवेंट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर डिपेंडेंट ऑन कोलैटरल इवेंट, इफ द इवेंट हैपेंस देन द कॉन्ट्रैक्ट इज परफॉर्मड, अदरवाइज इट बिकम्स वॉइड। अगर इवेंट नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इफ द इवेंट ऑन विच एन एग्रीमेंट हैज बीन मेड कॉन्टिजेंट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट देन द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, वो शुरू से ही क्या होता है सर, वॉइड होता है सर। ऐसा नहीं है कि शुरू में वो वॉइड वैलिड होगा, बाद में वो क्या हो जाएगा सर, वॉइड हो जाएगा। नहीं, ये शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो है, क्योंकि आपने काम ऐसा बोला था जो कि क्या था, इम्पॉसिबल फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। एक बार पढ़ के देख लो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3, कोई डाउट है तो पूछ लो, पढ़ के देखो। क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट डू नॉट बिकम वॉइड। कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट डू नॉट बिकम वॉइड, ये है क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा होता है या नहीं होता, इसका आंसर अब हम पढ़ के पता लगाएंगे। कोलेटरल ट्रांजेक्शन मतलब कोई ऐसी ट्रांजेक्शन हुई किसी इलीगल एग्रीमेंट के साथ, जैसे मान ले मेरे को क्या करना था, किसी का मर्डर करना था, और मैंने मर्डर करने के लिए तेरे से पैसे ले लिए कि यार मेरे पास चाकू खरीदने के लिए पैसे नहीं है, मेरे को पैसे दे दे यार जुबन, मेरे को जो है ना चाकू खरीदने और किसी का मर्डर करना, तो तूने मेरे को क्या दे दिया, चाकू के पैसे दे दिए। मैंने बोला मैं तेरे को जो है ना मर्डर करने के बाद वापस कर दूंगा पैसे, अब वो मैंने पैसे वापस नहीं करे, अब तो पुलिस स्टेशन जाके बोलेगा कि सर देखो मैंने इसको मर्डर करने के लिए चाकू दिया था और इसको पैसे दिए थे, मतलब कि पैसे दिए थे चाकू खरीदने के लिए, अब ये मेरे को पैसे क्या नहीं कर रहा, वापस नहीं कर रहा, तो सर आप इसको जेल में डाल दो, तो ऐसे एग्रीमेंट नहीं हो सकते। ठीक है, ऐसे एग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, ये एग्रीमेंट भी क्या अवॉइड है, ऐसे एग्रीमेंट क्या है, वॉइड। द टर्म इलीगल एग्रीमेंट मे बी डिफाइंड एज द एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली फॉरबिडन बाय लॉ। तो इलीगल एग्रीमेंट क्या होते हैं, जो कि लॉ क्या बोलता है कि सर आप ये ऐसा एग्रीमेंट कर ही नहीं सकते, फॉर एग्जाम्पल बाय इंडियन पिनल कोड और बाय सम अदर स्पेशल लेजिस्लेशन। थस एन एग्रीमेंट टू कमिट अ मर्डर और टू पब्लिश अ लिबल डिफेमेटरी स्टेटमेंट। डिफेमेटरी स्टेटमेंट क्या होता है, किसी बंदे के बारे में कोई गलत बातें बोल देना जिसके वजह से उसकी जो रेपुटेशन है वो डिफेम हो जाए, मतलब उसकी रेपुटेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। ये कैसे एग्रीमेंट है सर, इलीगल एग्रीमेंट है। मोर ओवर एग्रीमेंट विच आर इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक के लिए क्या है, अगेंस्ट है, ये भी क्या है सर, इलीगल है। इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड एंड नॉट कन्फर एनी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑन द पार्टीज कंसर्न, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सच एग्रीमेंट्स आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सर ये कोर्ट ऑफ लॉ में आप इन्फोर्स नहीं कर सकते कि सामने वाला आपको काम पूरा करके देगा। कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट डो नॉट बिकम वॉइड। अ कोलेटरल ट्रांजेक्शन इज वन विच इज इंसिडेंटल और सब्सिडरी टू द मेन ट्रांजेक्शन। भैया जैसे मान लो मैंने आपसे चाकू खरीदने के लिए क्या लिए, पैसे लिए, तो ये कौन सी आइटम है, ये कौन सा, ये कोलेटरल ट्रांजेक्शन है जो कि उस काम को करने के लिए क्या था, जरूरी था। फॉर एग्जाम्पल द लोन टेकन फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग एन इलीगल बिजनेस, एक इलीगल बिजनेस करने के लिए मैंने क्या लिया, लोन लिया। बिजनेस किस चीज का था, स्मगलिंग का, तो मैंने एक बैंक के मैनेजर को बोला सीधा सा, भाई मेरे को स्मगलिंग करनी है तो मेरे को क्या दे दे, लोन दे दे, और मैं तेरे को बहुत अच्छा क्या दूंगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा। द कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू एन इलीगल एग्रीमेंट ऑल्सो बिकम्स इलीगल। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना लोन देने की, हालांकि ये तो वैसे तो लॉफुल होती है, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी।
एंड थस दिस इज अ वॉइड एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये ट्रांजेक्शन वैलिड ट्रांजेक्शन भी क्या हो गई, वॉइड हो गई, बिकॉज पैसा किस चीज के लिए यूज हो रहा था, इलीगल चीज के लिए। इट मे बी नोटेड दैट इवन इफ द कोलेटरल ट्रांजेक्शन इज लॉफुल। कोलेटरल ट्रांजेक्शन क्या थी? लॉफुल। लोन देना क्या था? सही बात है, सरकार ने कोई मना थोड़ी ना कर रखा है कि आप लोन नहीं दे सकते, लेकिन सरकार कहती है टेररिज्म एक्टिविटीज के लिए आप लोन नहीं दे सकते, इट विल बी ट्रीटेड एज इलीगल एंड वॉइड। तो एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप एग्रीमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन स्मगलिंग बिजनेस। दे बोरोड मनी फ्रॉम एक्स और वाई ने जेड से पैसे लिए, एक मनी लेंडर था वो, फॉर देयर बिजनेस। इन दिस केस द मेन ट्रांजेक्शन दैट इज पार्टनरशिप फॉर स्मगलिंग इज इलीगल। एक्स और वाई की जो पार्टनरशिप है वो क्या है? इलीगल है, एंड थस द लोन टेकन फॉर द सेम इज ऑल्सो इलीगल एंड वॉइड। जेड कैन नॉट गेट हिज मनी बैक। तो भैया जेड को अपने पैसे वापस नहीं मिलेंगे। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रिमेन वैलिड। वी नो दैट फ्री कंसेंट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सर हमें पता है कॉन्ट्रैक्ट को अगर वैलिड होना है तो दोनों पार्टीज का जो अप्रूवल जो होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? फ्री। मतलब ऐसा नहीं आपने जोर जबरदस्ती के साथ किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट करा। इफ द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज नॉट फ्री देन सच पार्टी दैट इज हुज कंसेंट इज ऑब्टेन बाय फोर्स मे अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पार्टी को आपने फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करा है वो कल को उस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है, दैट इज मे पुट एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सच अ कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वॉइडेबल होता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टीज हुज कंसेंट इज नॉट फ्री। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलते हैं सर? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में रिमेन वैलिड। बेटा जब तक वो बंदा उस कॉन्ट्रैक्ट को कोर्ट में जाके मना नहीं करके आएगा, जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहता है? वैलिड रहता है। अब जैसे मान लो मैंने आपके साथ कोई जोर जबरदस्ती करी और आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करवा दिया साइन, और आपको बोल दिया कि भाई अगर किसी को तूने बताया मैं ठोक दूंगा, ठीक है? अब देख, जब तक तू इस वाले कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ना किसी पुलिस वाले के पास जाएगा ना कोर्ट के पास जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड होगा, डर के मारे तू गया ही नहीं। और अगर तू चला गया तो वो क्या हो जाएगा सर? वॉइड हो जाएगा। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में बिकम वैलिड। यस सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है सर? वैलिड होता है। मैंने आपके साथ जोर जबरदस्ती करके आपके साइन ले लिए तो वो एग्रीमेंट तो बन गया सर। कोर्ट में मैंने जाके दिखा दिया, देखो इस बंदे ने, तूने बोला यस सर मैंने साइन करे, डर के मारे तूने यो नो बोला नहीं, तो वो क्या होएगा सर? वैलिड होएगा। जब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं करते सर? रिप्यूडेट नहीं करते। क्या नहीं करते? रिप्यूडेट नहीं करते। रिप्यूडेट का मतलब क्या होता है? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर ऑन बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टी। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या बोलते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी के लिए इन्फोर्सेबल है, दूसरे के लिए इन्फोर्सेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ फ्लॉ। इसके अंदर क्या है? एक प्रॉब्लम है ऑफ विच वन ऑफ द पार्टीज इफ ही प्लीसेस टेक एडवांटेज। एक पार्टी को तो क्या हो रहा है एडवांटेज, मुझे क्या हो रहा है एडवांटेज। सच अ पार्टी हैज द राइट ईदर टू रिप्यूडेट और टू इलेक्ट टू कैरी ऑन द कॉन्ट्रैक्ट इन स्पाइट ऑफ द डिफेक्ट द अदर पार्टी हैविंग नो ऑप्शन इन द मैटर। तो एक पार्टी के पास ऑप्शन है, या तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट को चलने दे सकते हो या फिर उसको क्या कर सकते हो आप? रिप्यूडेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? थोड़ा सा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिमेन्स वैलिड एंड बाइंडिंग। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है अंटिल रिप्यूडेटेड बाय द पार्टी हैविंग द राइट टू डू सो। जब तक आप इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं कर देते सर? रिफ्यूज नहीं कर सकते। आपका राइट है उसको रिफ्यूज करने का भैया। अगर डर के आप उस कॉन्ट्रैक्ट को चलने देते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा क्या दिखा दिया, करेज दिखा दी और उसको वो बता दिया कोर्ट में जाके कि भैया इस बंदे ने मेरे साथ क्या करा है सर, जोर जबरदस्ती करके कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? फिर वॉइड हो जाएगा। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वन विच इज वॉइड एबिनिशियो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो शुरू से ही वॉइड होता है। नहीं सर, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या सिखाया था सर? शुरू में तो वो वैलिड होता है, बाद में कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई जिसके वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? इलीगल हो गया। जैसे मान लो इंडिया के साथ सप्लाई करना, सामान आना जाना क्या होता था? वैलिड था। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या था? वैलिड था। लेकिन मान लो इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई और अब मैं उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे सर? वॉइड हो जाएंगे। तो जो पहले कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड थे अब वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गए सर? वॉइड हो गए। ठीक है, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले वैलिड था अब क्या हो गया सर? वॉइड हो गया। तो पढ़ के देख लो फटाफट से बी वाला पॉइंट।
ठीक है, सी अ यूनिलेटरल मिस्टेक कैन नॉट बिकम अ ग्राउंड टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होता है कि एक बंदे ने, मतलब दो पार्टीज थी कॉन्ट्रैक्ट में, एक पार्टीज ने गलती से क्या कर लिया सर, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, उसको किसी चीज के बारे में नहीं पता था। कैन अ यूनिलेटरल मिस्टेक एज टू द फैक्ट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। हमने पढ़ा था ना दो मिस्टेक होती है, एक तो मिस्टेक ऑफ लॉ होती है और एक क्या होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था अगर आप मिस्टेक ऑफ लॉ कर देते हो, ठीक है, और वो यूनिलेटरल मिस्टेक थी, मान लो मेरे कोई फॉरेन लॉ था उसके बारे में मुझे पता नहीं था, तो वहां पर मेरे कॉन्ट्रैक्ट को क्या हो सकता है, वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है, एक बंदे को नहीं पता था। लेकिन मिस्टेक ऑफ फैक्ट को आप क्या नहीं कर सकते सर, कैंसिल नहीं कर सकते, चाहे वो आपकी यूनिलेटरल मिस्टेक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है, अ यूनिलेटरल मिस्टेक इज नॉट अलाउड एज अ डिफेंस इन अवॉइडिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बाद में नहीं बोल सकते अरे मेरे को तो पता ही नहीं था ऐसा था वैसा था, अनलेस द मिस्टेक इज ब्रॉट अबाउट बाय द अदर पार्टी इज फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। सर कैंसिल कर सकते हो अगर आप ये बोलोगे कि सामने वाली पार्टी ने आपके साथ क्या करा था, फ्रॉड करा था या मिस रिप्रेजेंटेशन करा था, तो आप उसको कैंसिल कर सकते हो। लेकिन अगर ये दो चीजें नहीं है तो आप कैंसिल नहीं कर सकते। द टर्म यूनिलेटरल मिस्टेक मे बी डिफाइंड एज मिस्टेक इन विच ओनली वन ऑफ द पार्टीज टू द एग्रीमेंट इज कंफ्यूज्ड। एक बंदे को क्या थी, कंफ्यूजन थी अबाउट द फैक्ट्स विच आर एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। उसको पता नहीं था सर एग्रीमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। व्हेन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन ऑफ द पार्टीज इज मिस्टेकन, एक पार्टी से क्या होगी मिस्टेक होगी कॉन्ट्रैक्ट में, द सब्जेक्ट मैटर और इन एक्सप्रेसिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग द टर्म और द लीगल इफेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट द मिस्टेक इज सेड टू बी, ऐसी मिस्टेक को क्या बोलते हैं सर, यूनिलेटरल मिस्टेक बोलते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल मेडली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बींग अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट। The analysis of this section shows that unilateral mistake does not affect the validity of agreement. Sir, validity पे कोई impact नहीं पड़ेगा sir, unilateral mistake पे, ठीक है? अगर ये mistake of fact है। However, the rule is subject to following exceptions. लेकिन इसके कुछ exceptions भी। Mistake as to identity of person contracted it. अगर कुछ ऐसी mistake है, मान लो आपको लग रहा था मैं contract, आप contract करना चाहते थे A के साथ, लेकिन गलती से contract हो गया B के साथ, तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो सर, contract को change कर सकते हो। Where A intends to enter into contract with B, but by mistake enters into contract with C. ये मान के कि वो क्या है? B है. The contract is void on the ground of mistake. तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? Contract void हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत। Mistake about the nature of the contract. Mistake किसकी थी? Nature. An old illiterate man was made to sign a bill of exchange. Bill of exchange मान ले के check. एक ओल्ड इलिटरेट मैन से आपने क्या साइन करवाया सर, चेक बाय मींस ऑफ अ फ्लॉ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। गलत चीज बताई गई, आपने बोला चेक मैं इस चीज के लिए ले रहा हूं, लेकिन आप एक्चुअली में चेक किसी और चीज के लिए ले रहे थे, दैट इट वाज अ गारंटी। आप साइन करवा रहे थे कि सर ये तो सिर्फ गारंटी के लिए, हम आपके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकालेंगे, लेकिन उन्होंने एक्चुअल में क्या करा, बैंक अकाउंट से पैसे ही निकाल दिए, हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे सर, आपके वॉइड हो जाएंगे। चलो डी वाला पढ़ के देखते हैं, लॉटरीज ऑथराइज बाय गवर्नमेंट। अब कुछ ऐसी लॉटरीज जो कि गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखी है, क्या वो वेगरिंग एग्रीमेंट है, आर नॉट वेगरिंग एग्रीमेंट्स, वेदर इट इज ट्रू और वेदर इट इज फॉल्स। लॉटरीज ऑथराइज बाय गवर्नमेंट आर नॉट वेगरिंग एग्रीमेंट्स, क्या वो वेगरिंग एग्रीमेंट्स नहीं है। वेगरिंग एग्रीमेंट्स क्या होते हैं सर, या तो मैं हार जाऊंगा या जीत जाऊंगा, लॉटरी भी क्या होती है, तो निकल जाएगी या नहीं निकलेगी। तो क्या लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट आर नॉट वेगरिंग एग्रीमेंट्स, क्या वो वेगरिंग एग्रीमेंट्स नहीं होते सर, वो वेगरिंग एग्रीमेंट्स होते हैं, होते तो वेगरिंग एग्रीमेंट्स है ना, लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स है वेगरिंग एग्रीमेंट्स जो कि आपके वॉइड है, और कुछ एग्रीमेंट्स को गवर्नमेंट ने क्या दे रखी है, परमिशन दे रखी है, ऑथराइज्ड, तो फॉल्स सर, ऐसा नहीं है सर, वो वेगरिंग एग्रीमेंट तो है। अ वेगर इज अ बेट, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच टू और मोर पार्टीज एग्री अ सर्टेन सम ऑफ मनी और थिंग्स बी पेड और डिलीवर, ठीक है, उसकी डेफिनेशन है। इसके एसेंशियल वो क्या है, वेगरिंग एग्रीमेंट्स के एसेंशियल्स क्या है सर, म्यूचुअल चांस होना चाहिए गेन और लूज का, 50-50 चांस, 50% गेन 50% लूज, कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, अनसर्टेन इवेंट होना चाहिए, नो इंटरेस्ट अदर देन स्टेक, कोई और इंटरेस्ट नहीं है आपका अदर देन स्टेक, मतलब कि या तो हारोगे या जीतोगे, नीदर पार्टी हैज टू कंट्रोल ओवर द इवेंट, हम दोनों का उस इवेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं है। सेक्शन 30 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड, ऐसे एग्रीमेंट क्या होते हैं सर, वॉइड। एंड नो सूट कैन बी ब्रॉट फॉर रिकवरिंग एनीथिंग अलीज टू बी वन ऑन एनी बेकर, और कोई सामने वाला एक दूसरे के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता अगर किसी ने
कुछ करा, फ्रॉड करा, कुछ करा, और इंटरेस्टेड टू एनी पर्सन टू अबाइड द रिजल्ट ऑफ एनी गेम और अंडर अनसर्टेनिटी। ठीक है, ये चीज तो हमने पढ़ रखी है वेगर। अब यहाँ पे लॉटरी के बारे में क्या बोलता है, अ लॉटरी इज अ गेम ऑफ चांस। तो लॉटरी खरीदना क्या है सर, अनऑथराइज नहीं है, इंडिया में लॉटरी खरीदता। हेंस द लॉटरी बिजनेस इज अ वेगरिंग ट्रांजेक्शन, सच अ ट्रांजेक्शन इज ओनली वॉइड बट ऑल्सो इलीगल एज पर सेक्शन 294A ऑफ इंडियन पिनल कोड। इज नॉट ओनली वॉइड, ये सिर्फ वॉइड ही नहीं है, ये कैसी है सर, इलीगल वे। देयरफॉर इफ अ लॉटरी इज ऑथराइज बाय गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर रखी है, द ओनली इफेक्ट ऑफ सच परमिशन इज दैट पर्सन कंडक्टिंग द लॉटरी, द पर्सन रनिंग द लॉटरी एंड द बायर ऑफ टिकट विल नॉट बी गिल्टी ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस। सर ये कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं आप कर रहे हो, क्योंकि सरकार ने लॉटरी क्या कर रखी है, ऑथराइज कर रखी है, बट द लॉटरी, लेकिन लॉटरी हमेशा क्या रहती है आपकी, वेगरिंग एग्रीमेंट रहती है। ठीक है, हमेशा क्या रहती है सर, वेगरिंग। अगर गवर्नमेंट ने लॉटरी को क्या कर रखा है, ऑथराइज कर रखा है, तो इट इज नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, आपने कोई गलत काम नहीं कर रखा है, सरकार बोलती आप पैसे लगा सकते हो, कोई बात। ठीक है, तो ये वाला एग्रीमेंट भी आपका क्या होगा, एग्रीमेंट बोल रहा हूँ, ये वाला चैप्टर भी आपका क्या हो गया सर, खत्म हो गया। दिस वॉज चैप्टर नंबर 6, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स। ठीक है।